जी मैं आस्तिक हूँ एंड सबसे पहले मैं भगवान से ज़्यादा अपने माँ बाप पर विश्वास करता हूँ, उनका कहने पर विश्वास करता हूँ और उसके बाद भगवान पर विश्वास। कौन से गॉड नहीं होता है, गॉड एक ही होता है। कौन सा गॉड, उसे दैट इज़ द फर्स्ट थिंग ऑफ द रूल बुक ऑफ दिस फिल्म ऑल्सो, देर इज़ नॉट कौन से गॉड, इट्स ओनली वन। आई थिंक बोथ टैग्स आर वेरी मच आई एंजॉय, आई हैव गॉट ऑल बोथ द टैग्स ऑल द टाइम एंड सो बट टू बी ऑनेस्ट समवेयर इन माई हार्ट आई लव द एक्शन वन मोर। बहुत आर इम्पॉर्टेंट, आदमी को अपनी फिल्म का कंटेंट देखना चाहिए जब फिल्म बनाना शुरू करते हैं, स्क्रीन प्ले क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होती है, कौन कौन उसका एक्टर्स एक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे फिल्म बढ़ती जाती है हर चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर जब फिल्म रेडी हो जाती है उसके बाद आपको प्रमोशन करना पड़ता है, जाना पड़ता है, आप जैसे मीडिया लोगों के पास आके बात करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है ताकि आप दर्शकों को बता सकें। सो एवरीथिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें कॉमेडी कॉमेडी है, पूरी पूरी फिल्म एंटरटेनमेंट है। और इसमें एक बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि एक आम इंसान वो भगवान पे केस करता है, एक आम इंसान भगवान पे केस करता है और फिर उसके साथ क्या होता है, भगवान उतरते हैं और कैसे वो केस को लड़ते हैं। और इसके अंदर आप देखोगे कि फिल्म के अंदर जो भी आपकी कंप्लेंस हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं भगवान से, उसका सब उत्तर इस फिल्म के अंदर दिया गया है। यू हैव सीन द प्ले? आई थिंक इट इज़ नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज ये भगवान के अगेंस्ट नहीं है। ये कहती है, एक नास्तिक इंसान है जिसका नाम है परेश रावल, उसका किरदार एक नास्तिक का है और उसको आस्तिक कैसे बनाती है, तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री ये सोच देती है आपको, और इससे अगर आप कॉन्ट्रोवर्सी का मोड ना दें, हाल ही में करीबन 4-5 दिन हुए हैं हमने सेंसर को फिल्म दिखाई और हमें यू कट मिला, यू मिला है विदाउट एनी कट, सो इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़। जी मैं आस्तिक हूँ एंड सबसे पहले मैं भगवान से ज़्यादा अपने माँ बाप पर विश्वास करता हूँ, उनका कहने पर विश्वास करता हूँ और उसके बाद भगवान पर विश्वास। कौन से गॉड नहीं होता है, गॉड एक ही होता है। कौन सा गॉड, उसे दैट इज़ द फर्स्ट थिंग ऑफ द रूल बुक ऑफ दिस फिल्म ऑल्सो, देर इज नॉट कौन से गॉड, इट्स ओनली वन। वेन माई सन वॉज बॉर्न, सो दैट वॉज ओ माई गॉड फॉर माई। आई थिंक हंसाना बहुत मुश्किल है, किक मारना तो बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। वेल आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट दैट एट द मोमेंट बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग माई ओ माई गॉड थिंग। I know him very well. I'm going to congratulate him myself, call him up. And what any expressions that you would like to do for his movie, the kind of movies he made? Well, that's what I told you. I'll call him up myself and let him know. Okay, last question. It's been quite some time. So, first of all, belated happy birthday. It's been quite some time. We couldn't wish you. So, tell us, there wasn't any party yesterday. You were very quiet. You even celebrated? I celebrated with my family and yes, this year not that much of this thing because I lost my father-in-law, so that's it. Akshay, आपकी दोस्ती बॉलीवुड में सबसे अच्छी, आप एक ऐसे एक्टर जैसा किसी से कुछ पंगा नहीं, कुछ नहीं, अपना काम करते जाते हैं, तो क्या एक, आई मीन इफ यू आंसर दिस, जोकर के बाद क्या कहीं ना कहीं आपके दोस्तों में, किसी दोस्तों के बीच में कुछ? नहीं जी, मेरी कोई किसी का दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है, फरहान शरीफ के साथ सब ठीक। Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you.